एजेंट तक के गिड़गिड़ा रहे पैसों के लिए। आप बताइए कि वो एजेंट तक के गिड़गिड़ा रहे तो ताजियाबाद की क्या नौबत होगी अभी। जी सर, आपने बताया कि आप दिलीप को अपने बचपन से देख रहे हैं, तो क्या आपको दिलीप ने कभी अपने इस तरह के बिजनेस के बारे में बताया, ये लोगों को पैसा डबल करने का या कभी आपको इन्वेस्ट करने का ऐसा कुछ भी बताया आपको? नहीं, मैंने तो बस उनको ऑटो चलाते हुए देखा है, उसके बाद में मैंने उनको कार में देखा है, कार चलाते हुए। मेरे पूछे तो पता ही नहीं था, यानी ये इसका काम चालू करके। क्या कभी दिलीप ने इस बिजनेस का जिक्र आपसे किया? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे से कोई जिक्र नहीं हुआ उनका, मेरे को ये भी हुआ फिर बाद में मेरे को पता चला ये सब क्या, यानी एक का डबल से सब चीज़ें ऐसी 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 हो रही है करके, और ताजियाबाद के कई लोग उसके अंदर में पीछे जा रहे। तो दिलीप जो अभी भी ताजबाग में मौजूद है, तो क्या आपने इस संबंध में दिलीप से बात की, जानने की कोशिश की कि क्या माजरा है ये पूरा? नहीं, मुझे उस तारीख से कोई लोग नहीं मिले, वो लोग कि मैं उनको बोल सकूं कि गरीब लोग कहाँ जाए, कहाँ मरे, मर जाएंगे ये लोग, ये कम से कम इनके पैसे तो दो। जब तब से दिलीप भी आपके संपर्क में नहीं आया है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मैं किसी का पता ही नहीं है उस तारीख से कहाँ गायब है। तो मैं वही आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि हमारे यहाँ गरीब लोग हैं पूरे ताजियाबाद में, और नागपुर शहर में भी कई लोग होंगे जिनके पैसे लगे हुए होंगे, तो उनके पैसे जल्द से जल्द दिया जाए। तो अब जहाँ इतने धूमधाम से उस दिन वो पार्टी की गई, जहाँ ड्रग्स भी मौजूद थे, शराब भी मौजूद थी, तो उसके अलावा और क्या क्या चीजें मौजूद थी? क्योंकि सिर्फ आप ही थे वहाँ पर, मतलब आप ही थे जो बता सकते हैं उस दिन क्या क्या वहाँ पर उस रूम में मौजूद था। ये सब गलत बात है, कोई ऐसा मेरे सामने तो ये सब चीज नहीं थी। सबसे पहली बात तो मेरे जाने के बाद वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं मालूम। मैं जब तक के था, केक काटा, केक काटने के बाद मैंने सबको खिलाया और मैं तुरंत वहां से निकल गया। उसके बाद में वहां क्या हुआ उसके बारे में तालिब जी, वीडियो में जिस तरह दिख रहा है केक के महज बाजू में एक गुड़िया में सफेद पाउडर रखा है, ये तो मतलब बच्चा बच्चा भी अगर देखे तो ऐसे मजाक में भी कह देगा कि ये ड्रग्स है। तो क्या कभी आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो ड्रग्स है? देखो, मैंने जो देखा है बस वो देखा है कि पन्नी के अंदर में कपड़ा है, शायद वो चिलम विलम पीते है वो लोग, वो हो सकता है क्या उस तरह? या आप उसका जांच करवाइए ना, सबसे बेस्ट तो ये कि फॉरेंसिक जांच होगी तो पता चल जाएगा उस तरह की। और भी पैकेट्स वहां पर मौजूद थे? नहीं 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 नहीं, ये सब गलत फहमियां हैं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है वो। जिस तरह उस दिन दिलीप ने, दिलीप जो कि एक एजेंट है राजीव कुरैशी का, मुख्य आरोपी का, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मकसद देखा जाए इस पार्टी में आपको इतने नामी ग्रामी शख्सियत को बुलाने का, तो हो सकता है कि उनका ये मकसद हो कि आपको उनके जरिए और भी सारे लोग, इन्वेस्ट करने वाले लोग उनके बिजनेस में मिल जाए, जिनका वो ऐसे डबल करते आपके जरिए, वो कई और लोगों को जो लोग आपको मानते हैं उनके जरिए उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो क्या उन लोगों ने उस पार्टी के बाद आपको ऐसा ऑफर दिया कुछ? सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे जब बुलाया गया वहाँ पर जन्मदिन के, तो वहाँ पर ऐसी कोई मेरे से उनसे लोगों ने बातचीत नहीं करे, मैं रुका ही नहीं उतनी देर वहाँ पर, तो 5 मिनट के लिए मैं गया और 5 मिनट में मैं वहाँ से मेरे खाला के घर गया, वहाँ पर केक काटा, फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह केक काटने गया, तो मेरी वो टॉपिक पर बात हुई नहीं। फिर मेरी बात हुई उनसे, समझ जाओ 3-4 दिन बाद दिलीप भाई घर पर आए, बोले ऐसा ऐसा है डबल का। तो मैं बोले यार भाई, ये सब चीज़ हम लोग इसमें काम नहीं करते, हम दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, बोले हम ये सब। तो फिर ताजियाबाद की पूरी पब्लिक मेरे पास आने लगी, ताजियाबाद के जो लोगों ने पैसे लगाए उसमें कई लोग हैं, दोस्त भी है हमारे कई, वो लोगों ने पैसे लगा, वो मेरे पास आने लगे, बोले हमने उसके पैसे डाले, इनके पास पैसे डाले, उनके पास पैसे डाले, इनके पास पैसे डाले,
और सब भाग गए पूरे के पूरे। वो पुलिस जब पकड़ने निकली, मतलब कहीं ना कहीं एजेंट्स दिलीप और राजी कुरैशी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा मकसद हो कि आपको भी इसमें आपके जरिए और लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया जा सके। कोशिश की गई, बल्कि ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मैं ये सब चीजों से दूर रहता हूँ। मेरे को मालूम है ये सब चीज फ्रॉड है। ये सब चीज फ्रॉड होती है। ये एक महीने में एक के डबल कहाँ से हो जाएंगे पैसे? कोई जादू की चिड़िया थोड़ी ना है। पट करके घुमाओ तो डबल, पट करके घुमाओ तो ट्रिपल। ये सब फ्रॉड होता है। जिस तरह आपने बताया था कि उनका इन लोगों का बर्थडे पार्टी के बाद से, उस ड्रग्स पार्टी के बाद से आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने भी बताया कि दिलीप खुद घर पर आपके आए, उनसे उन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, इसके बारे में ऑफर दिया आपको, तो इसके अलावा और भी नहीं, 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 नहीं। ऐसा है, बाकी लोगों को मेरी मुलाकात की दिलीप भाई हमारे घर के पास ही रहते, थोड़ी सी दूर आगे में, तो वो आए थे बस। उनने मेरे से कोई ऑफर नहीं रखे, कुछ नहीं, मेरे से कोई ये नहीं बोले उनने, आप एजेंट बनो, ये करो, ये सब चीज नहीं बोले उनने मेरे को। बाबा आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लेक का डबल होता है पैसा। मैं बोला ये सब फालतू के काम में हम लोग कितने परमिशन नहीं होते। ये एक का डबल ये सब फ्रॉड चीज है। एक का डबल क्या है सर? एक का डबल होने लग गई आज दुनिया में गरीब क्यों रहते लोग? सर अभी आपने बताया कि दिलीप आपके घर के चंद घर के पास ही रहता है, तो अभी जैसा वीडियो ऑडियो में हमने देखा कि दिलीप खुद परेशानी में है और वो कुरैशी से जरूरत मांग रहा है, तो क्या आपको कभी वो नजर आया अपने मोहल्ले में, या फिर कुछ उससे जुड़ी अभी भी बातें आपको कुछ सामने आई है दिलीप से जुड़ी बातें? मुझे वो जिस दिन से फरार है, या बेल हुई या फरार है या जेल में है, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना मुझे रास्ते से जाते हुए दिखे वो अभी तक के। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है कहाँ है। बस मैं यही विनती करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बराह मेहरबानी पूरे गरीबों का पैसा वापस दीजिए और उन लोगों का सुख चैन उनका वापस दीजिए। बड़े परेशान हो रहे, रो रहे, गा रहे, सब पढ़ाई वढ़ाई सब बच्चों की सब। दिलीप आपके घर पर आया तो इस बिजनेस के बारे में यकीनन संक्षेप में बताया होगा कि कौन कौन लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों ने अब तक इन्वेस्ट किया है, किन किन लोगों को किस तरह से ये लोग पैसे लगा देते हैं, तो उस पर क्या क्या दिलीप ने उस दिन आपको बताया? मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोले कि बाबा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते है तो आप करिए। मैंने इन्वेस्टमेंट करना है कुछ बिजनेस है? मैं बोला क्या है? तो बोले ये आप 10,000 देंगे तो आपको 20,000 मिलेंगे एक महीने में। मैंने बोला कि वो ये जादू की पोटली ला लिए क्या कि हर महीने डबल मिलेंगे पैसे? मैं बोला ये सब फ्रॉड काम के दूसरे के साथ करो। तो क्या अच्छी बात नहीं पता था कि इसी तरह का जो फ्रॉड का ये जो हाँ किया जा रहा है, तो क्या वो दिलीप ही है जो ऐसा कर रहा है? आपको पता था वो? इसके पहले क्या हुआ, चार या 7 साल पहले बड़ा था है अपना बड़ा गेट है ना अपना, उसके सामने में एक ऑफिस जला था किसी का, तो वो भी यही काम करता था, एक का डबल करता था पैसा। तो उसने भी कुछ 4-5 महीने चलाया, उसने भी पूरा पैसा लपटा और पूरे गरीबों का पैसा लेके भाग गया। आज तक कि उसका पता नहीं है और अभी भी वैसे ही छुआ है पूरे गरीबों के साथ में। जिस दिन दिलीप आपसे मिलना है, आपको उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो उस वक्त तक आपको पता ही होगा कि ताजबाग में लोगों के साथ ऐसी ठगी की जा रही है, तो आपको क्या पता था कि वो दिलीप ही है? आपने दिलीप से पूछा नहीं कि तुमने अब तक लोगों का पैसा नहीं दिया, ऐसा कुछ बात हुई उस दिन? नहीं नहीं, मेरे से ये सब बातें नहीं हुई उनसे, सिर्फ उनने मेरे से ये पूछा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? क्या उस वक्त आपको पता था कि दिलीप ही है जो ताजबाग के इतने लोगों का जिनके जरिए पैसा ठगा गया है, पता था आपको क्या उस दिन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अकेले दिलीप भाई नहीं है वहाँ, ऐसे कई लोग है जो
एक का डबल का धंधे का काम कर रहे थे। क्या उन लोगों को भी आप वो लोग भी आपके संपर्क में आए हैं? नहीं नहीं, मेरे से कोई संपर्क नहीं है लोगों का, वो लोगों का कोई संपर्क नहीं। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इसके अंदर एक के डबल में इन्वॉल्वेशन है लोगों का, जिन लोगों ने भी पैसा लिया है वो सबके पैसे वापस करें। पूरे गरीब गुरदा जो भी लोग है सबके पैसे दिया जाए। नागपुर वो ताजाबाद के रहे कि नागपुर के कोई भी एरिया के रहे, सबके पैसे वापस दिया जाए, क्योंकि सब बहुत लोग परेशान है, गरीब 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 रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे। जहाँ हम तो वीडियो देख रहे कि उनके अपना एजेंट तक की गिड़गिड़ा रहे पैसों के लिए। आप बताइए कि वो एजेंट तक की गिड़गिड़ा रहे तो ताजाबाद की क्या नौबत होगी अभी।